हे गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेज़ॉन का एक रैंडम हॉल। सो यस, इस वीडियो में आपको लाइक हेयर केयर प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, मेकअप प्रोडक्ट्स है, ज्वेलरी है और ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर भी है। तो ये वीडियो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे सेलेक्टेड से आइटम है एंड कुछ तो मैंने रीपर्चेज किए हैं जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ। सो यस, अगर आपको लगे कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, मज़ा आया है वीडियो को देख के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितने भी प्रोडक्ट्स है गाइस, सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। माय हॉल स्टोर के साथ ये वीडियो कोलैबोरेट है तो माय हॉल स्टोर का भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर उस लिंक पे आप जाओगे तो सारे प्रोडक्ट्स आपको विद पिक्चर एंड प्राइस डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट्स आपको पिक करना है उस पर आप क्लिक कीजिए और आप मेन अमेज़ॉन की वेबसाइट से पहुँच जाओगे। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ ज्वेलरी जो मैंने अभी परचेज की है। तो ये जो पीस है गाइस, ये आपने बहुत सारे हॉल वीडियो में देखा होगा। दिस इज अमेजिंग, लाइक इसको देखते ही ऐसा मन करता है ना कि यार वाओ क्या चीज है। सी दिस, ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है जो कि इस तरह के पैटर्न में आपको मिलती है। आप काम देख सकते हो कितना बारीक से इस पर पूरा वर्क किया हुआ है और नीचे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से घुंघरू लगे हुए हैं। ऐसे बजने वाले घुंघरू नहीं है बट बहुत ही अच्छे, लाइक डेंसिटी आप देखो घुंघरू की कितनी सारी है, एकदम छोटे छोटे से ये घुंघरू है। और साइड में भी आपको दोनों साइड में इस तरह के घुंघरू मिल जाते हैं। और ये जो नेक पीस है ना, ये पूरे नेक को आपको कवर करता है। तो इसके साथ अदर से आपको किसी भी तरह के इयररिंग्स वगैरह पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में बहुत सुपर लगेगा। सी दिस, इस साड़ी के साथ भी बहुत प्रिटी लग रहा है। इसको आप अपनी साड़ी के साथ में, अपनी वन पीस ड्रेसेस, टॉप, किसी के साथ भी वेयर कर सकते हो। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी ऑल नो कि अपने आप में अभी बहुत इन में है, बहुत सुपर्ब लगती है पहनने के बाद। और ये वाला जो पीस है ना, ये तो मुझे काफ़ी टाइम से इस पर नज़र थी, मुझे लेना था और फाइनली मैंने इसको पिक कर लिया। प्राइस भी गाइस इसकी बहुत नॉमिनल है, मैं आप स्क्रीन पर लगा दूंगी जो भी एग्जैक्ट प्राइस है, बट पहनने के बाद काफ़ी प्रिटी लग रहा है। तो इसके साथ एज सच कोई भी इयररिंग्स वगैरह नहीं आए थे, सिर्फ मुझे ये वाला नेक पीस मिला है जो कि सुपर्ब। एंड उसके बाद मैंने लिया है अगेन एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के अंदर ही, और वो है ब्रांड शाइनिंग डिवा से। और ये इस तरह का एक नेक पीस है। तो मुझे एक थोड़ा सा लॉन्ग लेना था और थोड़ा सा एक चौकर स्टाइल में लेना था। तो ये पीस आप देखो कितना प्रिटी है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो यस, आप देख सकते हो कितनी प्यारी इसकी डिटेलिंग है। नीचे आपको इस तरह के कॉइन्स मिल जाते हैं बहुत सारे, और ऊपर आपको इस तरह की राउंड डिटेलिंग मिलती है। तो नॉर्मल आप इसको एज अ चौकर भी पहन सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग में पहनना है तो इस तरह से आप इसको लॉन्ग भी पहन सकते हो। तो लॉन्ग भी बहुत प्रिटी लगेगा और एज अ चौकर भी आप पहनोगे तो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो इसके अंदर ना आपको थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, तो ये जो कॉइन्स लगे हुए हैं ना, इनकी बहुत प्यारी सी साउंड आती है। बहुत पतले पतले कॉइन्स है ये। तो वेट इनका गाइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बहुत लाइट वेट है, पूरे दिन आप इजीली पहन सकते हो। कोई पार्टी फंक्शन में भी पहन के जाओगे ना, बहुत प्रिटी लगेगा। तो बहुत ही अमेजिंग से, मतलब दोनों जो मेरी ये नेक पीस मैंने मंगवाए ना, सुपर्ब है, डिफरेंट स्टाइल के साथ है और पहनने के बाद तो बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। एंड उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैंने अगेन रीपर्चेज किए हैं। तो जो फर्स्ट है दैट इज़ कलर बार का ये ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि आप में से काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हो एक अच्छे सा ब्यूटी ब्लेंडर लेना है तो दिस इज रियली सुपर्ब। इतना छोटू सा ये दिख रहा है बट जैसे ही आप पानी के अंदर डालोगे, स्क्वीज आउट करोगे, ये बहुत अच्छा सा फूल के बड़ा हो जाता है। एंड वी ऑल नो कि ब्यूटी ब्लेंडर से जैसे आप फाउंडेशन को ब्लेंड करते हो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, बहुत प्यारी सी कवरेज आती है। कलर बार का ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है, एक तो खराब नहीं होता है, लाइक काफ़ी ब्यूटी ब्लेंडर देखे होंगे आपने जो बीच बीच में से टूट जाते हैं, बट ये इस तरह से कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये मेरा थर्ड वन है, पहले मैं दो यूज़ कर चुकी हूँ। तो अगेन मैंने इसको रीपर्चेज किया है, ये जस्ट मैंने अपने पाउडर के लिए किया है, बाकी जो दो है मेरे वो फाउंडेशन के लिए है। तो इससे आप अपना पाउडर भी सेट कर सकते हो, फाउंडेशन को भी ब्लेंड कर सकते हो, मल्टीपर्पज है। सो यस, इसकी जो प्राइस है गाइस दैट इज़ 199 रुपीज़। तो बहुत ही अफोर्डेबल है एंड मोर ओवर आपको अमेजोन पे बहुत सारे ब्यूटी ब्लेंडर मिलेंगे लोकल ब्रांड्स के, बट प्लीज़ उनको मत परचेज कीजिए। कलर बार अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत अच्छा इसका ये वाला प्रोडक्ट है। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ इनसाइट का आईलाइनर, और ये भी मेरा रीपर्चेज है। मैंने शायद पहले लैक्मे के जो आईलाइनर आते थे ना, छोटू सी एक लैक्मे की जो बॉटल आती है, बहुत पहले 99 रुपीज़ में आते थे, वो ही यूज़ कर रही थी। और जब से मैंने इनसाइट का यूज़ किया है, अभी भी मैंने इनसाइट का ही लगाया हुआ है, मेरे पास एक बॉटल खुली हुई रखी है। चलो मैं अपना पुराना वाला लेके आ जाती हूँ, उसको दिखाती हूँ मैं आपको। या दिस वन,
इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो यस यू कैन सी इसका जो ब्रश है कितना ज़्यादा थिन है, और अगर मैं आपको लगा के दिखाऊँ ना, से दिस एप्लीकेशन देखो आप, इसकी कलर देखो एकदम जेट ब्लैक है। एक जो शाइनिंग आती है ना आईलाइनर में, वो वाली शाइनिंग है। और सबसे अच्छी चीज़ कि ये फैलता नहीं है, वाटरप्रूफ है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ गाइज, और जैसे अगर हम मेकअप रिमूवर वगैरह से इसको निकालते भी है ना, तो पूरी फैल के आँखों को काला नहीं करता। ये नॉर्मल जैसे एक लेयर उतरती है हमारी स्किन की है। अभी ये जब सूख जाएगा ना, आपको उतार के भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से ये निकलता है। प्राइस इसकी बहुत नॉमिनल है, और आई थिंक इसकी जो प्राइस है दैट इज़ 110 रुपीज़। अमेजोन पे तो आपको और भी कम में मिल जाएगा। आई थिंक ये 80-90 रुपीज़ का है। और वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, और एप्लीकेटर इसका जो है अमेजिंग है, बहुत अच्छे से लगता है। सो आई थिंक ये सूख गया होगा, मैं आपको उतार के दिखा देती हूँ। सी दिस, ये सूख भी चुका है, और जैसे आप इसको उतारोगे ना, ये इस तरह से उतरता है। सी लेयर करके उतरा है, ये एकदम फैला नहीं है, स्किन को काला काला नहीं किया इसने। स्किन आप मेरे देख सकते हो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई है। ये एक लेयर जैसे हमारी निकलती है ना, उस तरह से ये निकल के उतर जाता है। यस दिस इज रियली ए गुड आईलाइनर। अगर आपको परचेज करना है नॉमिनल प्राइस का, वाटरप्रूफ चाहिए, स्मच प्रूफ चाहिए, तो बहुत सुपर्ब है। एंड उसके बाद मैंने लिया है लैक्मे का इंस्टा लाइनर, और ब्लू कलर के अंदर, ये वाला जो अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ये पहले ब्लैक के अंदर आता था, अभी इन्होंने शायद 2-3 कलर लॉन्च किए हैं, ग्रीन है, गोल्डन है और ब्लू है। तो मैंने ब्लू ही पिक किया फ़िलहाल के लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका कलर, सी दिस, ये है इसका ब्लू कलर। काफ़ी प्रिटी सा कलर है, लगने के बाद बहुत प्यारा लगेगा। एंड वी ऑल नो कि लैक्मे के आईलाइनर बहुत सुपर लगते हैं। और इसके अंदर गाइस किसी भी तरह की शाइन नहीं है, एक मैट कलर है ये, आप देख सकते हो। सो या एंड गाइस, जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ मेबलिन फिट मी लूज पाउडर, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से लेना था। और जो शेड मैंने पिक किया है दैट इज़ 20 लाइट मीडियम, और ये इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव होता है। आप लोगों में तो काफ़ी लोग यूज़ कर चुके होंगे, बट दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। और ये आप देखो, इस तरह का एक पाउडर आता है, बहुत ही फाइन सा टेक्स्चर है। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, इतना फाइन इसका टेक्स्चर है, और ऑयली स्किन के लिए तो सुपर्ब है। सी नॉर्मल आपको लूज पाउडर को लगा के रखना होता है थोड़ा सा, और उसके बाद डस्ट ऑफ कर देना है। तो इस तरह से आप लगा सकते हो, एंड क्वांटिटी भी गाइस काफ़ी अच्छी आई है। नेक्स्ट जो मैंने पिक की है दैट इज़ शुगर की काजल पेंसिल, एंड आई मीन द शेड 05 ब्लैक मैजिक। और काफ़ी टाइम से मुझे शुगर की काजल लेनी थी यार। शुगर में दो तरह की रेंज आपको मिलती है, 299 है और एक ये 499 है। तो 299 वाला मेरे पास ऑलरेडी है। इस बार मैंने इनका ये वाला जो शेड है 05 बैक टू ब्लैक, ये वाला मुझे ट्राई करना था, तो मैंने ये वाला पिक किया है। और तो चलिए इसको भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। इसमें थोड़ी सी शाइन है काजल के अंदर, बट काफ़ी अच्छा इसका पिगमेंट है। आप देख सकते हो कितने एक ही स्ट्रोक में कितना अच्छे से लग गया है। और वी ऑल नो कि शुगर के जो काजल है ना, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, और प्राइस भी काफ़ी अच्छी है। 499 रुपीज़ का काजल है, और इसके साथ आपको इस तरह का शार्पनर भी मिल जाता है शुगर का। एंड उसके बाद मैंने पिक किया है स्कैल प्लस एक्सपर्ट एंटी डेंड्रफ शैम्पू, और इसका मैंने 2 पैक मंगवा लिए हैं, क्योंकि अभी रेनी सीजन है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, और डेंड्रफ भी इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि दी हेयर फॉल हो रहा है, क्या करें क्या करें। दिस इज़ रियली ए गुड ऑप्शन। अगर आपको एक्सट्रीम में हेयर फॉल है तो आप इसको वीक में 2 बार लगाओ, अदरवाइज आप वीक में 1 बार लगा सकते हो। और मेरा तो हेयर फॉल हो या ना हो, मैं वीक में 1 बार ज़रूर से ये शैम्पू करती हूँ अपने, जस्ट बिकॉज कि जो भी बैक्टीरिया है, डेंड्रफ है, वो अच्छे से क्लीन आउट हो जाते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होती है। इस पे शैम्पू पे गाइस ऑलरेडी मैंने डिटेल रिव्यू दिया हुआ है, अगर आपको चेक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिए, मैं उसका लिंक दे दूंगी। आप पहले जाके इसका डिटेल रिव्यू देखिए, एंड उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना मस्त वाला प्रोडक्ट है ये। सो यस, इस बार मैंने ये 2 ही एक साथ ही मंगा लिए, एक साथ में था बंच में। सो यस, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ अ ऑर्गेनाइज़र, और बहुत सारे इयररिंग्स एंड जो हमारे छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, लाइक रिंग्स वगैरह हो गए या फिर नेक पीस वगैरह हो गए, उसको रखने के लिए। सो दिस इज़ द ऑर्गेनाइज़र, ये मल्टी लेयर है, इसके अंदर आपको इस तरह की लेयर्स मिल जाती हैं, यहाँ से ओपन करना है, और यहाँ पे आपको 6 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं ईच लेयर पे। तो 1, 2 और 3, इस तरह की 3 लेयर है, आप इसको निकाल सकते हो यहाँ से। इसको निकालने के लिए भी आपको अगेन से यहाँ से हुक्स खोलने पड़ेंगे। तो ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, और उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे 3rd लेयर मिल जाती है। तो ये जो कंपार्टमेंट्स है ये मूवेबल है, लाइक इसको आप निकाल भी सकते हो। कुछ बड़ी आपको चीज़ रखनी है तो यहाँ रख दीजिए, छोटी रखनी है तो अगेन इनको आप इस तरह से
पार्टीशन कर सकते हो, तो इस तरह से आपकी 6 ईयरिंग्स आ सकते हैं। अगर आपको कुछ बड़ी चीज़ रखनी है तो आप इस तरह से 2 को निकाल दीजिए, तो यहाँ पे पूरा आपका जो नेक पीस है वो आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, लाइक 18 इसके अंदर कंपार्टमेंट्स है, तो 18 ईयरिंग्स आप इजीली रख सकते हो, और इतने बड़े बड़े हैं ना कि एक कंपार्टमेंट में आप इजीली 2 भी रख सकते हो। तो क्वालिटी वाइज ओके ओके है, लाइक मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ही स्टर्डी है, बहुत अच्छा है, नॉर्मल क्वालिटी के साथ है, बट छोटी सी जगह में आप इतना सारा सामान रख सकते हो, और लुकिंग भी बहुत प्रिटी है, क्यूट सा है छोटा सा। उसके बाद मैंने लिया है अपना स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र, तो इस तरह की मैंने 3 बास्केट का सेट लिया है, और ये है ब्रांड अमेज़ॉन सोलिमो से, और सोलिमो के प्रोडक्ट्स अच्छे आते हैं, स्टडी रहते हैं, और प्लास्टिक जो यूज़ करते हैं काफ़ी अच्छा करते हैं। तो ये इस तरह की एक बड़ी सी बास्केट आ जाती है, तो इसके अंदर आप अपने मॉइस्चराइज़र सीरम वगैरह इजीली रख सकते हो, एंड मोर ओवर अगर आप किचन में भी यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आती है 2nd नंबर की, ये इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यस स्पेस आप देख सकते हो कितना अच्छा है। सो दिस इज 2nd वन, और ये है 3rd वन, तो इसके अंदर भी आप छोटे मोटे अपने आइटम रख सकते हो। क्वालिटी गाइस काफ़ी अच्छी है, स्टडी है। अब तो इस तरह की 3 मैंने ये अपने मेकअप को ऑर्गेनाइज करने के लिए ली है। सो यस, हो गए मेरे सारे आइटम। ये था एक रैंडम सा छोटू सा हॉल, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख के। कोई भी प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके चेक कर लीजिए, सारे लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे गाइस तो इसको लाइक ज़रूर से कर देना, और कोई भी रिक्वायरमेंट हो आपकी, आप चाहते हो कि मैं कुछ ब्यूटी या फैशन से रिलेटेड और भी नए नए प्रोडक्ट्स और वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट ज़रूर करके बताइए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।